आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नजीर गनाई। इस सीरीज में हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको हम कुछ ऐसे अशखास से मुलाकात कराएं जिनका मुख्तलिफ फील्ड्स में, शोबजात में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मसूद हुसैन, हु इज़ अ वेरी वेल नोन आर्टिस्ट फ्रॉम कश्मीर, हैज़ डन रिमार्केबल वर्क ऑन द आर्ट एंड कल्चर सिनारियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही हैज़ वन मेनी एक्लेड्स फ्रॉम डिफरेंट क्रिटिक्स ऑफ his art, and he has also taken this art to the next level, and he's also recognized globally for this. Masood sahab, bahut bahut shukriya awaaz the voice ke sath baat karne ka. Agar kisi ko Masood Hussain ka kaam dekhna hoga to kya aisi cheez hai jo sabse pehle unko nazar aati hogi? Dekhiye, mera kaam jo hai wo kahin chupa hua nahi. तो मैं जो कुछ पेंट करता हूँ सो मतलब वो हर एक थ्रू सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अपलोड करता हूँ ताकि लोग मेरा काम देखें और एंजॉय करें और उस पर कमेंट करें। तो ये मेरा एक तरीका है काम करने का ताकि ये मैक्सिमम मासेस तक पहुँचे throughout the world. आपको हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि मसूद हुसैन जो है, he also was one of the few first students who got into JJ School of Arts, जो कि मुंबई में है, और वहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना लोहा मनवाया, और फाइनली ही केम बैक टू कश्मीर एंड यहाँ पे म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज में बैसे उस्ताद उन्होंने ज्वाइन किया और वहीं पे ये सबकदोज भी हो गए अपनी एक्टिव सर्विस से। अभी मसूद साहब, हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं जी, दिस इज योर होम स्टूडियो। दिस इज माय होम स्टूडियो। तो क्या मसरूफियात रहती है आजकल? एक्चुअली देख लीजिए, मैंने मतलब 33 साल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में वहाँ में पढ़ाया है, और फिर 2011 में मेरी रिटायरमेंट हो गई, तो अब उसके बाद आई वर्क इंडिपेंडेंटली। तो इसमें मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ और कुछ बुक्स भी इस दौरान पब्लिश हो गई। तो इसमें कुछ एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक वॉक विद गांधी पब्लिश होगी विद आयरिश राइटर के साथ। सो देन टू मोर बुक्स इसी साल रिलीज हो गई, सो दैट इज एक तो बोटमैन एंड लव लेटर टू कश्मीर। तो आई थिंक लॉट हैज बीन रिटन ऑन लव लेटर, काफी कुछ, हाँ, तो उस पे काफी कुछ लिखा गया है। तो अब मेरी ख्वाहिश थी कि ये बुक्स यहाँ कश्मीर में लाइब्रेरीज में जाए, और ये एक मेरा पूरे लगभग 40 साल का काम उसमें है, स्पेशली वर्क्ड ऑन कश्मीर कल्चर आर्किटेक्चर लैंडस्केप्स पे काम किया है। तो लेट अस होप अथॉरिटीज विल टेक नोट ऑफ इट। तो जो आपको देखने वाले होंगे आवाज़ वॉइस पे, बहुत ज़्यादा ऐसे जो है हमारे नाज़रीन हैं जो मुख्तलिफ आर्ट सेगमेंट्स को देखते हैं और उनको सराहते भी हैं, जो आपको देखने वाले होंगे उनको कैसे बताएंगे कि आपके क्या क्या आप एक्सप्लोर करते हैं अपने आर्ट फील्ड में? जैसे कि आप वाटर कलर में बहुत आपने काम किया है, आपका एक डिफरेंट फील्ड है जो आपने यहाँ का पेपर माशी है उसमें भी आपने एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उनको कैसे बताएंगे कि आप क्या क्या काम किया उन्होंने? अब इसमें देख लीजिए, अब जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपलोड किया है ऑन सोशल मीडिया में, और मैं चाहता हूँ कि स्पेशली द आर्टिस्ट कम्युनिटी यहाँ के जो हैं वो आए, स्पेशली द यंगस्टर्स, और वो देखें कि हम किस तरीके का काम करते हैं। तो इसमें अब ये प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ आर्टिस्टों में एक वो कम्युनिकेशन गैप है, और यहाँ वो आपस में इंटरेक्शन नहीं होती है, और मैं चाहता हूँ कि लोकल स्पेशली यहाँ के लोकल आर्टिस्ट और जो हमारे
यंग आर्टिस्ट हैं वो दे मस्ट मीट और दे मस्ट वर्क टुगेदर. मीटिंग से मेरे को याद आता है आपने एक इनिशिएटिव लिया समन बल करके, तो एक आर्ट रेजिडेंसी आपने सोचा कि एक आर्ट रेजिडेंसी की जरूरत है कश्मीर में, तो उस आर्ट रेजिडेंसी का क्या स्टेटस है और क्या आइडिया था, क्या आइडिया? नहीं, मैं इससे पहले कुछ बोलना चाहता हूँ. आप देख लीजिए कि हम 50 या 60 साल से काफ़ी हमने कोशिश की कि एक कश्मीर में एक अपनी आर्ट गैलरी हो और वो कभी पॉसिबल हुआ नहीं अब तक, क्योंकि कश्मीर में आर्ट गैलरी नहीं है जहाँ के हम लोग अपना काम शोकेस करें, वो है नहीं. तो हालातों की वजह से आर्टिस्टों में एक वो कम्युनिकेशन गैप है और हम एज एन आर्टिस्ट चाहते हैं कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट एक मेन स्ट्रीम में आ जाए ताकि वो बाहर भी एग्जिबिट करें अपना काम, क्योंकि उनका तो कहीं एग्जिबिशन हो तो कश्मीर इज़ नो वेयर. तो हम चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन बाहर भी हो. अब रही बात आर्टिस्ट रेजिडेंसी, तो इसमें मैंने 2010 या 11 में कहीं पे ज़मीन ली थी, तो विद द इंटेंशन कि मैं कुछ यहाँ बनाऊँ जहाँ की एक आर्टिस्टों को एक मीटिंग पॉइंट हो जिसका समन बल ही नाम रखा है. तो अब उसमें काफ़ी मतलब इट वाज माय ड्रीम प्रोजेक्ट कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ विद द हेल्प ऑफ अदर आर्टिस्ट से मिलके हम इकट्ठा इसको बिल्ट अप करें. दैट वो पॉसिबल हुआ नहीं, बट आई नेवर गेव अप और मैं पूरा अकेला उस आर्टिस्ट रेजिडेंसी को बिल्ड किया. तो नाउ इट्स ऑन द फाइनल स्टेज और इसमें मतलब आई हैव जस्ट स्पेंड माय ओन सेविंग, जो मेरे पास पैसा था वो लगा दिया. तो अब उसमें कुछ काम बाकी है, तो अब फंड्स की प्रॉब्लम है, अदरवाइज आई वुड हैव कंप्लीटेड दैट और आर्टिस्टों को इनवाइट करके वहाँ रह भी सकते हैं, वहाँ पे दे कैन वर्क टुगेदर नॉट ओनली द कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट. तो इसमें हमने मेरा ये है सोचना कि वी कैन ऑल्सो ब्रिंग यहाँ जो क्राफ्ट्स पीपल हैं उनके साथ काम करें सो दैट दे कैन ऑल्सो क्रिएट सम इनोवेटिव वर्क्स बनाए. वी कैन, ये एक काफी अच्छा मतलब इनिशिएटिव. तो व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग दिस टू गेट कंप्लीटेड? सी इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. तो अब थोड़ा बहुत आई हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सो लेट अस सी. अब मैंने इतना किया है तो बट आई विल नेवर गिव अप टिल द थिंग इज कंप्लीट. तो जो हमारे नए इस फील्ड में नए बच्चे आ रहे हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपको कि अगर हमको ये आर्ट को एक्सप्लोर करना है, इस फील्ड में जाना है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेट अस बिल्ड दिस रेजिडेंसी, कम जॉइन, बी पार्ट ऑफ द मिशन एंड फिर हमें रास्ता खुद मिलेगा. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. अच्छा, एक सवाल जो बार बार हमें पूछा जाता है कि आपके जो काम है, आपने डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस किया है अपने काम को, जैसे कि एक्रिलिक में अगर आपका काम है, तो आपका सबसे मेन जो है एरिया कौन सा है जहाँ पे आप बहुत अच्छा कंफर्टेबल होते हैं काम करने? सी मोस्टली एरिया की जो बात करते हैं, सबसे पहले आई एम फैसिनेटेड विद माई कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे आप जहाँ देखो तो एक सब्जेक्ट आपके लिए तैयार है एंड यू हैव सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर हियर और कमी नहीं है आइडियाज की एंड यू कैन डू मिरेकल्स हियर. तो बाकी आई एम कंफर्टेबल एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन कश्मीर और मेरा टॉपिक, मेरा सब्जेक्ट कश्मीर ही है. सो अ वॉक विद गांधी वाज अ वेरी रीसेंट प्रोजेक्ट दैट यू डिड, एंड व्हाट वाज दिस ऑल अबाउट? ये एक्चुअली एक हाइकुइस्ट आयरलैंड के
बहुत ही फेमस राइटर पोएट थे, तो ही वॉज उसने गांधी पे कुछ हाइकूज किए थे, सो ही वॉन्टेड टू इलस्ट्रेट दैट बुक. तो अब वो थ्रू सोशल मीडिया ही गॉट इन टच विद मी, और अब थ्रू सोशल मीडिया ही मैं हमने काम किया, तो वो मुझे हाइकूज भेजते गए, आई स्टार्टेड इलस्ट्रेटिंग दोज. सो द अल्टीमेटली फिर वो बुक आयरलैंड में पब्लिश हो गई. सो उसका नाम द वॉक विद गांधी, सो विच वॉज वेरी वेल रिसीव्ड, और नाउ यू कैन फ्री डाउनलोड दैट बुक. ओके, सो अभी तक उसको लगभग 10,000 डाउनलोड्स हो गए हैं. सो इट्स अ वेरी पॉपुलर. एंड देन यू हैव बोटमैन एंड अलाउ लेट. फिर उसमें बोटमैन भी एक मेरी सीरीज है अबाउट माय कंटेम्पररी या रिलीफ वर्क्स पे है. तो देन देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक लव लेटर टू कश्मीर, दैट इज अगेन पब्लिश होगी न्यूयॉर्क में. सो दैट इज अगेन बेस्ड ऑन माई वर्क्स इन रेस्पॉन्स टू गैब्रियल रोजेनस्टॉक है आयरलैंड के हाइकूस्ट. सो ही हैज रिटन अबाउट हाइकूस ऑन दोज वर्क्स. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कश्मीर. मुस्तफा बहुत बहुत शुक्रिया. हम इंशाल्लाह आपकी आर्ट रेजिडेंस पे भी आएंगे एंड विल सी कि क्या माहौल है और कैसा आपने एक आर्टिस्ट को एक ऑप्शन दिया है बैठने का. गेम बहुत बहुत शुक्रिया.